नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं शुभांगी। आइए देखते हैं आज दिन भर की 15 बड़ी खबरें क्या थी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों से मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक सोपोर के राफियाबाद में पुलिस और 32 राष्ट्रीय राइफल की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन चलाया हुआ है। इसी के तहत मुठभेड़ के दौरान ये आतंकी मारा गया है। परिशिक्ष की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन जारी है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री बांग्लादेश सीमा के दौरे पर गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के करीमगंज दौरे के दौरान जकीगंज इमिग्रेशन पोस्ट पर तैनात बांग्लादेशी नागरिकों ने लाउडस्पीकर से भारत के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए। इससे पहले 20 अगस्त को पुलिस ने अली हुसैन को गिरफ्तार किया था, जो कि कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से प्रवेश कराने में शामिल एक दलाल है। अली हुसैन की गिरफ्तारी से पहले 19 अगस्त को धुबरी में एक बांग्लादेशी महिला को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंप दिया गया। महिला ने दावा किया था कि वह और उसका एक बड़ा ग्रुप अली हुसैन सहित कई और दलालों की सहायता से भारत में घुसा था। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोला ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कम मतदान के डर से 1 अक्टूबर की मतदान तिथि को बदलने के लिए कहा है। उनका कहना है कि 1 अक्टूबर की मतदान की तारीख से पहले और बाद में कई छुट्टियां हैं, जिस वजह से कम मतदान हो सकता है, इसलिए इस तिथि को बदल दिया जाना चाहिए। पुणे जिले के पौड़ गाँव के पास एक निजी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर एक निजी कंपनी का था। हेलीकॉप्टर में सवार 4 लोगों में से कैप्टन को चोट आई है और वह अस्पताल में भर्ती है। बाकी 3 लोगों की हालत स्थिर है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने शनिवार को अचानक से एक पत्र जारी कर यह ऐलान किया कि पार्टी की बिहार प्रदेश कमेटी और सलाहकार समिति को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। प्रदेश कमेटी को भंग कराने के 1 घंटे के भीतर ही नए प्रदेश कमेटी का ऐलान कर दिया गया। पार्टी के 115 नेताओं को अहम जिम्मेवारी सौंपी गई है। नई कमेटी में 10 उपाध्यक्ष, 49 महासचिव, 46 सचिव, 9 प्रवक्ता समेत 1 कोषाध्यक्ष की घोषणा की गई है। असम के नागांव जिले में गुरुवार शाम 3 दरिंदों ने एक मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया है। इस घटना के मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम को पुलिस ने शनिवार सुबह 4 बजे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए अपराध स्थल पर ले जा रही थी, तभी उसने भागने की कोशिश की और वो तालाब में कूद गया। तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। आगरा के अतमदुल्ला थाना परिसर स्थित बैरक की बालकनी से गिरकर दरोगा कुलदीप कुमार तिवारी की मृत्यु हो गई। पुलिस लाइन में तैनात दरोगा कुलदीप की ड्यूटी शुक्रवार को पुलिस भर्ती परीक्षा में लगी थी। वो बैरक में ही रुके थे। शुक्रवार देर रात लघुशंका के लिए उठे थे। लघुशंका के बाद बैरक में आते समय बालकनी से गिर गए। पुलिस दरोगा को लेकर अस्पताल गई, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तिलकनगर इलाके में 2 हथियारबंद हमलावरों ने एक मिठाई की दुकान पर गोलीबारी की। इसमें कोई घायल नहीं हुआ। घटना शुक्रवार रात 11 बजे सिंगला स्वीट शॉप के बाहर हुई। 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए और दुकान के सामने के शीशों पर गोलियां चलाई और फिर मौके से भाग गए। माना जा रहा है कि जबरन वसूली को लेकर यह फायरिंग की गई है। उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट पर स्थित मंदिर जलमग्न हो गए। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। शिखर पिछले 1.5 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे। शिखर धवन ने अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद लगातार चर्चाएं हो रही है कि विनेश कांग्रेस में शामिल हो सकती है, जिस पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया आई है। जब भूपेंद्र हुड्डा से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि यह एक काल्पनिक सवाल है। खिलाड़ी किसी एक पार्टी के नहीं होते, वो पूरे देश के होते। अगर कोई उनकी पार्टी में शामिल होगा तो पता चल जाएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, वैसे ही विनेश फोगाट को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाएगा, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई है, उन्हें न्याय नहीं मिला है। हैदराबाद में जल निकायों और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। इसी के तहत हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन ने तेलुगु अभिनेता नागार्जुन के मालिकाना हक वाले कॉन्वेंशन सेंटर को ध्वस्त कर दिया है। हाइड्रा और पुलिस के इस ज्वाइंट एक्शन में कॉन्वेंशन हॉल को ध्वस्त कर दिया गया। ये हॉल रंगारेड्डी जिले के शिल्पारामम के पास बनाया गया है। दरअसल ये भूमि FTL जोन के अंतर्गत आता है। सनी देओल की बॉर्डर 2 को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। वहीं मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस इस फिल्म की रिलीज डेट जानने के लिए बेसब्र हो रहे थे। ऐसे में बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को भारत के साथ लगती पूर्वोत्तर सीमा से गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर उनकी गिरफ्तारी तब की गई जब वो देश छोड़कर भारत आने की कोशिश कर रहे थे। वो सिलहट की कन्हाईघाट सीमा के माध्यम से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आवामी लीग नेता SM फिरोज की भी शुक्रवार को उनके आवास से गिरफ्तारी की गई। जर्मनी में पार्टी कर रहे लोगों पर हुआ हमला। शुक्रवार रात सोलिंगन के 650 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक पार्टी के दौरान यह हमला हुआ।
पार्टी कर रहे हैं लोगों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें 3 की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।